नवादा में मदरसे में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जहां दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया है। कौवाकौल थाना क्षेत्र के एक इलाके से मदरसे से मौलाना की गिरफ्तारी हुई। मौलाना की पहचान जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी गांव निवासी शहादत हुसैन के रूप में हुई, जो पिछले 3 साल से मदरसे में पढ़ाने का काम करता था। मौलवी रहता था और बच्ची मेरा पढ़ने वहां जाती थी, तो पहले बच्ची का एक फोटो खींच लिया उसको, ऐसे जैसे गर्दन में हाथ डाल के, और फोटो के जरिए से इसको ब्लैकमेल करने लगा। पहले फोटो फेसबुक पे छोड़ देंगे और नहीं तो तुमको जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते हैं। बहुत ही गहराई में पहुँच गए थे। उनके परिवार को मालूम चलने के बाद फिर वो अपने बच्ची को, लड़की को मना करने लगे कि नहीं उसे कहाँ से करना, उससे बात मत करो, ये सब कुछ दिन तक के कहते रहे। फिलहाल इस बीच में मेरे साथ हो गया। मदरसे में छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। मौलाना के ऊपर परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि पढ़ाई के दौरान मौलाना बच्ची का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। उसी दर्ज शिकायत पर कौवाकौल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। मौलवी शहादत हुसैन पर पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। थाना कौवाकौल में एक पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मदरसा में पढ़ाई के दौरान मौलाना जो आरोपी है वो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता था और उसका वीडियो बना लेता था और वायरल करने की धमकी देता था, जिसके खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ और उस आवेदन पे थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उस मौलाना को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया।